ममता खंडेकर, MNS न्यूज लाइव की तरफ से सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। दिवाली खुशियों का त्यौहार, उत्साह का त्यौहार, परिवार पड़ोसी मित्रों के साथ खुशियां बांटने और मनाने का त्यौहार। दिवाली का त्यौहार सिर्फ भारत में ही नहीं, देश विदेश में जहां जहां भारतीय रहते हैं वो भी उत्साह से दिवाली मनाते हैं। दिवाली कैसे मनाई जाती है इस बारे में अनेक पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध है, मगर भगवान श्री राम का 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या में आगमन और विशेष रूप से देवी लक्ष्मी की शादी भगवान विष्णु के साथ हुई थी, ये धारणा विशेष प्रचलित है। दिवाली 5 दिनों का त्यौहार है और इन 5 दिनों की अपनी कहानियां और किंवदंतियां हैं। कल ही दिवाली का पहला दिन यानी धनतेरस उत्साह से मनाया गया। आज दिवाली का दूसरा दिन यानी नरक चतुर्दशी है। भगवान कृष्ण द्वारा राक्षस नरकासुर का आज के दिन वध किया गया, ऐसी किंवदंति प्रसिद्ध है। आज नरक चतुर्दशी, सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुगंधित उपटन लगाकर अभ्यंग स्नान करते हैं, रात के अंधेरे में ही घर घर दिए जलाते हैं, फटाके फोड़े जाते हैं, घर में बने मिष्ठान का आस्वाद लिया जाता है, घर के बुजुर्ग बच्चे महिलाएं उत्साह से नरक चतुर्दशी मनाते हैं। हर भारतीय दिवाली उत्सव का आनंद दिए का प्रकाश, स्वादिष्ट मिठाइयाँ, रंगी बिरंगी फटाकों से मनाते हैं। MNS न्यूज परिवार की तरफ से सभी मित्रों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मित्रों, बच्चों को फटाके फोड़ते समय अकेला ना छोड़े, उनके साथ रहे, सतर्क रहे। धन्यवाद। शुभ दीपावली।